जुम्मे की नमाज के बाद एक बार फिर शुक्रवार को यूपी में हिंसक प्रदर्शन हुए। प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद जैसे कई इलाकों में पत्थरबाजी और खूब हंगामा किया गया था और वहां पर नारेबाजी हो रही थी। हालात उस वक्त ठीक नहीं थे क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। उसे देखने के बाद साफ पता लगता है कि इस प्रदर्शन की पहले से ही तैयारी की गई थी। बता दें, भारतीय जनता पार्टी की नेता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार द्वारा पैगंबर पर की गई टिप्पणियों को लेकर शुक्रवार को कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली और अब गवर्नमेंट सरकार एक्शन में आ चुकी है। हिंसा वाले जगहों पर कार्रवाई होना शुरू हो गया है और जो लोग हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में प्रयागराज में भी जिस जगह पर पत्थरबाजी हुई वहां पर बुलडोजर पहुंचने के बाद सनसनी फैल गई। तो वहीं कानपुर में भी जफर हयात के करीबी मकान पर बुलडोजर चलाया गया। बता दें कि बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ प्रशासन के अधिकारी वे आरएएफ के जवान भी मौके पर मौजूद हैं। वैसे तो कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग अवैध रूप से बनी थी तथा इसके तोड़ने का आदेश पहले ही हो चुका था, परंतु गत दिनों की हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड जफर हाशमी का मोहम्मद इश्तियाक रिश्तेदार बताया जा रहा है। वहीं प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार का कहना है कि ये बुलडोजर अगर चल रहा है तो इसका कोई दूसरा मतलब ना निकाला जाए, ये अवैध निर्माण के तहत कार्रवाई हो रही है। जिन लोगों ने गलत काम किया है उन लोगों पर केस तो दर्ज होगा ही। उन्होंने बताया कि प्रयागराज में हुई हिंसा के मामले में अब तक 68 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस संबंध में सारे राज्यों में 227 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहने वाली है।